सो गाइस फाइनली अपने फ्री फायर के अंदर न्यू अपडेट आ चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे फ्री फायर के अंदर न्यू अपडेट आएगा उसके बाद बहुत सारे जो आइटम है हमारे फ्री फायर के फाइल में ऐड किए जाएंगे। तो कल के अपडेट के बाद इंडिया सर्वर के फाइल में कौन कौन से आइटम ऐड हुए हैं, कौन कौन सा इवेंट हमारे इंडिया सर्वर पे आने वाला है, सारा कुछ अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो उससे पहले आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस वाले वीडियो को लाइक कर दो और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को उसको ऑल पे सेट कर दो। Okay. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड रेफरल इवेंट के बारे में। ये वाला इवेंट कल के दिन हमारे इंडिया सर्वर पे स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आपको ये जो स्कार का स्किन है ये आप लोग को मिल रहा है। तो कल मैंने आप लोग को वीडियो बना के समझा दिया था कि इवेंट को किस तरह से कंप्लीट करना है, तो आप लोग कल वाले वीडियो को देख के ये वाला इवेंट को कंप्लीट कर लेना, जहाँ पे आपको दो डायमंड रॉयल वाउचर, दो वीपन रॉयल वाउचर, साथ में आपको कस्टम कार्ड मिल रहे और ये वाला स्कार का स्किन मिल रहा है। लेकिन ये जो स्कार का स्किन है ये आप लोग को परमानेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 14 डेज के लिए मिल रहा है। तो मेरे को लगा था कि ये परमानेंट मिलेगा क्योंकि अभी के टाइम पे फ्री फायर का जो यूजर है बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, तो मेरे को लगा फ्री फायर वापस लाने के लिए यहाँ पे फ्री फायर मस्त वाला इवेंट लाया जहाँ पे स्कार का स्किन परमानेंट मिल रहा है। लेकिन नहीं, फ्री फायर वाले को हमेशा इंडिया सर्वर के साथ स्कैम करना है, ये लोग क्या किए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 14 डेज के लिए सभी को दे रहे हैं। तो अगर आप लोग फ्रेंड रेफरल इवेंट को कंप्लीट कर रहे हो तो सिर्फ आप लोग 9 लेवल करना, 9 लेवल करने के बाद आप लोग कस्टम कार्ड, डायमंड रॉयल वाउचर और वीपन रॉयल वाउचर को क्लेम कर लेना और फिर आप लोग दूसरे आईडी को इनवाइट कर लेना, फिर उसको आईडी में आप लोग 9 लेवल तक कर लेना, फिर आप लोग एक कस्टम कार्ड मिल जाएगा। इस तरह करके आप लोग 3 बार कर सकते हो, आपको 3 कस्टम कार्ड मिलने वाला है और 2 डायमंड रॉयल वाउचर और 2 वीपन रॉयल वाउचर करके आपको 3 बार मिलने वाला है। तो इतना सारा रिवॉर्ड आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग आराम से ये वाला मिशन को कंप्लीट कर लेना। और अगर स्कार परमानेंट मिलता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन यहाँ पे परमानेंट स्कार का स्किन नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। आप लोगों का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप में से बहुत सारे बंदों का कमेंट आया था कि मोदी जी हम लोग का जो ईवो फेमस है वो हमारे इंडिया सर्वर पे कब तक आने वाला है। देखो अभी तक हमारे इंडिया सर्वर के फाइल में ईवो फेमस का जो फाइल है वो ऐड नहीं किया गया है, शायद बहुत ही चांस कम है कि हम लोगों का जो इंडिया सर्वर में ईवो फेमस का जो स्किन है अभी के टाइम पे देने को मिलेगा। और आप लोगों को तो पता है अदर सर्वर पे ईवो फेमस का जो स्किन है वो बहुत पहले देने को मिल चुका है और अब उन लोगों को नेक्स्ट ईवो गन भी देने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि ये जो ईवो गन है वो कौन सा ईवो गन होने वाला है, पिक्चर देख के आप लोग को बताना है। तो आप लोग को इसका आंसर देना है, साथ में अपना यू आई डी कमेंट कर देना, जिसका भी रैंडम कमेंट पिकर से यू आई डी निकलेगा मैं उसको रिक्वेस्ट भेजूंगा और 100 रुपीज़ का रिडीम कोड सेंड करूंगा, तो जल्दी से कमेंट कर दो। तो अब हम बात करते हैं अपना जो बी आर रैंक का जो सीजन है वो कल के दिन हम लोग का चेंज होने वाला है। 15 अप्रैल के दिन जो हम लोग का जो रैंक सीजन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब कल हम लोग का जो रैंक गेम है वो स्टार्ट नहीं होगा सुबह के टाइम से, लेकिन 2 बजे के बाद जो हम लोग का रैंक गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बंदे यहाँ पर रैंक पुश करेंगे, मजदूरी करेंगे। आप लोग कमेंट कर बताना कि आप लोग मजदूरी करते हो या फिर नहीं करते हो, करते हो तो कमेंट में हैशटैग यस लिख देना और अगर आप लोग नहीं करते हो तो कमेंट में हैशटैग नो लिख देना। और रैंक टोकन में आप लोगों को कुछ रिवॉर्ड ऐड होंगे, जो कि बैकपैक का स्किन ऐड होने वाला है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ये वाला जो बैकपैक का स्किन है कल आपको रैंक टोकन के अंदर देने को मिल सकता है। तो कल 2 बजे से न्यू बीआर रैंक का जो सीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बात करें हमारे गेम के अंदर जो न्यू अपडेट आया था, अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर कौन कौन से न्यू चेंजेस हुए, मतलब कौन कौन सा इवेंट आने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा जो फ्री फायर है वो अपडेट क्यों लाता है, सिर्फ और सिर्फ इवेंट रन करने के लिए, ठीक है, गेम रन करने के लिए नहीं। गेम कैसा भी चले, गेम में कितना भी ग्लिच हो, उससे उन लोगों को कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गेम में परमानेंट इवेंट आना चाहिए, मतलब हर बार इवेंट आना चाहिए, ठीक है। तो कल जो हम लोग गेम के अंदर अपडेट देने को मिला, उस अपडेट के बाद बहुत सारे जो आइटम है हमारे गेम के अंदर ऐड किए गए हमारे फाइल के अंदर, जिसमें से रमजान इवेंट का जितना भी रिवॉर्ड है वो सारे के सारे रिवॉर्ड को ऐड किए गए। यहाँ पे कटाना का स्किन जो था मैंने आप लोगों को दिखाया था रमजान इवेंट का, साथ में आपको फीमेल का बंडल, मेल का बंडल और भी बहुत सारे रिवॉर्ड जैसे लूट बॉक्स हो गया था, बैनर अवतार, ये सब रिवॉर्ड को ऐड किए गए। फिर आप लोगों को एक और थीम के ऊपर जो रिवॉर्ड है वो ऐड किए गए थे, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सब रिवॉर्ड हमारे फ्री फायर के जो फाइल है उसके अंदर ऐड हो चुका है। तो ये सब रिवॉर्ड किसी किसी इवेंट के अंदर आने वाला है, या तो आप लोग को फ्री में मिलेगा या फिर आप लोग को फेडरल या फिर आपको हैकर स्टोर, ये सब इवेंट के अंदर मिलने वाला है, एक एक करके आपको देने को मिलेगा। वैसे मेल वाला जो बंडल है ज्यादा चांस है कि आप लोगों को हैकर स्टोर के अंदर या फिर आपको फेडरल बिल के अंदर ही देने को मिल सकता है। और हम लोगों को एक मेल वाला जो बंडल है वो बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो कौन सा मेल का बंडल आपको फ्री मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आपको कौन सा मेल वाला बंडल जो आपको बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो ये जो बंडल है ये आप सभी लोगों को बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। वैसे ये बंडल आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी कोई घटिया रिवॉर्ड रहता है वही रिवॉर्ड फ्री में दिया जाता है, वैसे अच्छा खासा रिवॉर्ड कभी भी हमारे इंडिया सर्वर पे नहीं मिलता। वैसे कल के दिन जो हमारे फ्री फायर के अंदर अपडेट आया, उस अपडेट के बाद बहुत सारे बंदों के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। कल मेरे को इंस्टाग्राम की स्टोरी पे काफ़ी सारे मेंशन आ रहे थे कि मोदी जी मेरे साथ नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा गेम ओपन नहीं हो रहा है, मेरा इवेंट ओपन नहीं हो रहा है। तो मेरे साथ भी ये सब प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा भी गेम ओपन नहीं हो रहा था, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है बट फिर भी नेटवर्क कनेक्शन एरर दिख रहा था।
तो आप लोग को पता है जब भी फ्री फायर के अंदर कुछ भी अपडेट आता है तो फ्री फायर हमेशा कुछ ना कुछ ग्लिच कर ही देता है। तो इस बार भी फ्री फायर के साथ ग्लिच हो चुका है, तो फ्री फायर एक दो दिन में इसको फिक्स कर लेगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत जल्द ये सब ग्लिच जो कि फिक्स हो जाएगा। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।